हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खो खो गेम के रिलेटेड। हम ऑलरेडी खो खो के गेम के रिलेटेड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमने उसकी मेजरमेंट भी की थी। तो जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है कंसेप्ट ऑफ मेजर गेम्स। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो भी गेम्स होती है हर एक गेम्स के अपने अपने रूल्स और रेगुलेशंस है, तो उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने के बाद ही हम प्रॉपर तरीके से उस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उस स्पोर्ट्स में हम एज अ प्लेयर खेल सकते हैं। तो हम जो मेजर गेम, वो गेम जो आउटडोर गेम्स होती है जिनके लिए हमें एक ग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है, तो जो हमारा ये जो चैप्टर चल रहा है ये मेजर गेम्स के रिलेटेड है। तो और इस चैप्टर में ये क्लियर दिया गया है कि आपने ग्राउंड को कैसे मार्क करना है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो जो आप तक पहुंची हुई है, उसमें हमने खो खो का जो ग्राउंड है उसको हमने बनाया था और मैंने आपको बताया भी था कि ग्राउंड को कैसे मार्क करते हैं। तो आप आज कुछ स्किल्स, कुछ टर्मिनोलॉजीज जो खो खो गेम्स में होती हैं, जो प्लेयर ड्यूरिंग प्लेइंग वो यूज़ करता है, तो ये मैंने यहाँ पे आपको बताया कि टिप्स टू रिमेम्बर, कुछ टिप्स, कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने हैं जो बिल्कुल आपने कभी ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोलिए आप खो खो ग्रैम जो ग्राउंड है उसकी मेजरमेंट क्या होती है। तो डायमेंशन ऑफ प्ले फील्ड, जो खो खो गेम है इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी लेंथ और इसकी ब्रेड्थ क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस जो हमने लेक्चर दिया था उस पर मैंने प्रॉपर तरीके से ग्राउंड को मार्क किया था और प्रॉपर प्रोसीजर से मैंने आपको बता दिया था कि ग्राउंड को कैसे मार्क करते हैं। तो डायमेंशन ऑफ प्ले फील्ड, इसकी डायमेंशन कितनी होती है, मेजरमेंट क्या है इसकी, 29 मीटर बाई 16 मीटर, 29 मीटर लेंथ इसकी, लेंथ जो खो 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 गेम की जो लेंथ होती है, मार्ग इज ग्राउंड की लेंथ जो होती है वो होती है 29 मीटर। आफ्टर दैट अगर हम बात करेंगे इसकी ब्रेड्थ की, तो 16 मीटर इसकी ब्रेड्थ होती है, लंबाई इसकी 29 मीटर और इसकी चौड़ाई जो होती है वो 16 मीटर। और जो पोल स्पेसिफिकेशन, आपको पता है कि मैंने आपको बता दिया था कि जो लॉबी होती है, जो फ्री जोन एरिया होता है 29 मीटर जो इसकी लेंथ होती है, इसी में 8 बॉक्सेस में 8 जो सिटिंग बॉक्स जो चेजर होते हैं, जो सिटिंग बॉक्स में बैठते हैं, तो वो भी इसी 29 में डिवाइड होता है। उसके बाद जो पोल जहां पे होता है, पोल टू पोल जो उसके साथ में जो फ्री जोन एरिया होता है उसका जो मेजरमेंट है वो 2.75 मीटर्स की वो ब्रेड्थ होती है। और इसकी जो लेंथ ऑब्वियसली 29 मीटर में ही ये 2.75 मीटर पोल से आगे छोड़ दिया जाए, पोल से पीछे छोड़ दिया जाता है। और जो ये पोल स्पेसिफिकेशन है, जो पोल, दो पोल होते हैं, जो पोल की जो हाइट होती है, हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल 1.20 मीटर अबो द ग्राउंड, इसकी जो होती है, तो इसमें फ्री जोन एरिया जो होता है वो 2.5 मीटर का होता है। जो इसके सिटिंग बॉक्स है जहाँ पे चेजर बैठते हैं,
30 सेंटीमीटर स्क्वायर के होते हैं वो, 30 30 30, चारों साइड 30 सेंटीमीटर के वो होते हैं। और इसकी जो लॉबी होती है वो ग्राउंड से बाहर जो होती है वो 1.5 मीटर की होती है। तो सिटिंग ब्लॉक एरिया जो मैंने आपको बता दिया, जो जिनको सिटिंग बॉक्स भी कहते हैं, वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो इसके बाद कुछ फंडामेंटल स्किल्स हैं इसके, ये आप नोट करें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके कुछ स्किल्स हैं और वो स्किल क्या है, पहला जो है वो चेजिंग स्किल। जो रनर होता है वो कैसे चेज करता है, वाइल चेजिंग खो खो शुड बी गिवन इन लोड वाइस। जब भी आपने चेज करना होता है तो जो खो देता है वो खो आपने जो देना है वो लोडली बोलना है, आपने लोडली आपने वो बोलना है। वाइल कॉलिंग खो प्लेयर शुड बी टाइज्ड, जब भी जो प्लेयर खो देता है फिर खो देते वक्त उसने उस प्लेयर को टच करना ही करना है, अदरवाइज वो फॉल हो सकता है। अगर सिर्फ वो लोडली बोलेगा कि खो बट वो टच नहीं करेगा तो वो फॉल हो सकता है, वो फॉल होता है। After that, in a continuous kho, if a runner is moving toward right, the kho is given with right hand. जब runner जो होता है वो दाई साइड मुड़ता है, दाई साइड वो चलता है, मूव करता है, और जो खो देने वाला होता है उसने भी खो राइट हैंड से ही देना है। वाइल गिविंग खो लॉन्ग स्टेप इज टेकन, द आर्म शुड बी फुली एक्सटेंडेड, सम स्किल ऑफ चेजिंग आर एक्सप्लेन्ड बिलो। तो कुछ स्किल्स हैं इसके, मैंने आपको बता दिया चेजिंग स्किल्स में, पहला जो होता है डाइविंग, डाइव करना, ये आ गए इसके चेजिंग स्किल्स के स्किल। टर्निंग एट पोल, जो पोल होता है पोल पे जो रनर होता है वो जो चेजर होता है वो टर्न कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में, वहाँ पे चेंज कर सकता है। टर्निंग एट पोल, द टर्निंग राउंड द पोल इज परफॉर्म्ड ऑन वन हैंड एंड द अदर फ्री हैंड इज यूज फॉर टचिंग अ रनर। जब चेजर जो होता है वो कहाँ पहुँचता है, पोल के पास पहुँचता है, तो वो पोल को पकड़ के रनर को चेज कर सकता है, वहाँ से अपनी मूवमेंट ले सकता है। आफ्टर दिस एक्शन बोथ द हैंड आर ब्रॉट टुगेदर अराउंड द पोल एंड टर्निंग इज डन विद अ स्विंगिंग एक्शन। उसके बाद आ गया चेजिंग, चेजिंग चेज करना, ये आ गए किसके स्किल, चेजिंग स्किल। उसके बाद आ गया रनिंग स्किल, रनिंग स्किल में क्या क्या आता है, पहला इसमें आता है डॉगिंग, एंड द सेकंड वन इज सिंगल चेन, एंड द थर्ड वन इज डबल चेन। चेन तो हमने खो खो की जो मेजरमेंट वो मैंने आपको बता दिया, बता दे चुका हूँ लास्ट जो लेक्चर में,
हमने ग्राउंड की मार्किंग भी की थी। ग्राउंड की मार्किंग कैसे करते हैं, मैंने आपको बता दिया था कि लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर, उसका होल सम स्क्वायर रूट निकाल के जो आता है वो हमारा फुल डायगोनल होता है। फिर हमने आर्क देनी होती है, उसके बाद हमारा जो जो रेक्टेंगुलर शेप का जो ये ग्राउंड होता है ये हमें बिल्कुल एक्यूरेट आता है। इसकी जो साइड लाइंस होती है वो पूरी हमें 90 डिग्री आती है। तो ये इसके कुछ फंडामेंटल रूल्स थे, ये स्किल्स थे, कुछ चेजिंग स्किल्स हैं, कुछ रनिंग स्किल्स हैं, तो ये आपने नोट करने हैं और इनको रीड भी करना है। तो इससे आगे हम नेक्स्ट जो गेम होगी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आज का हमारा ये टॉपिक हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं इसको। तो ये आपने ये जो ये बेसिक जो इसके जो स्किल्स हैं ये याद रखने हैं आपने। थैंक यू।